हाय गाइस, माय नेम इज़ नारायण और इस वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिप्लॉइंग एंड कॉन्फ़िगरिंग एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज इन सर्वर 2016 टेक्निकल रिव्यू 5। तो हम कैसे सर्टिफिकेट सर्विस को कॉन्फ़िगर करते हैं और कैसे इंस्टॉल करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और स्टेप बाय स्टेप सीखना ही बेटर है, क्योंकि हम इकट्ठा नहीं सीख सकते हैं, गलती होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसमें। आई होप कि आप इसके थ्रू ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सर्टिफिकेट सर्विस हम सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी में। इसको हमने देखा होगा कि अगर हम कुछ इंटरनेट या कुछ भी चलाते हैं तो हमें एक सर्टिफिकेट हमेशा ही मिलता है। सपोज़ अगर हम गूगल को भी अगर यहाँ पर टाइप करें, google.com, तो हर एक चीज़ एक सर्टिफिकेट के थ्रू ऑथेंटिकेट होती है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमको सर्टिफिकेट दिखाता है। तो हम क्या कहते हैं, वही सीखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले क्या है, एक सिनेरियो लिया है मैंने यहाँ पे, हम उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग जाएंगे तो चीज़ें समझ में आएगी। अब देखिए यहाँ पे यह है कि बिल्डिंग अपॉन द ब्लूप्रिंट क्रिएटेड इन द प्रीवियस लैब, इसको छोड़िए, ये मेरा पिछला लैब में जो था उसका लिखा है। अभी क्या है, आप यू हैव बीन आस्क टू इम्प्लीमेंट एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विस विद इन द रूट पैरा मेट्रिकल्स, ये एक क्या कहते हैं, ये एक कंपनी का नाम लिया है मैंने यहाँ पे। और इसके अंदर क्या है, मुझको एक्टिव डायरेक्टरी ADCS इंस्टॉल करना है। सिंस दिस इज़ द फर्स्ट एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विस होल इंस्टॉल यू हैव बीन आस्क्ड, तो अब हमको क्या करना होगा, यहाँ पे ये लिखा है कि हमको करना क्या क्या होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें इसमें दो मेन काम करने होंगे, इंस्टॉल द एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विस सर्वर रोल, डिप्लॉय स्टैंड अलोन रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी, CA को सर्टिफिकेट अथॉरिटी बोलते हैं, एंड कॉन्फिगर द रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी टू इशू सबऑर्डिनेट सर्टिफिकेट। तो ये हमारा पहला काम रहेगा, हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे कैसे करते हैं। दूसरा चीज़ है, इंस्टॉल द एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विस सर्वर रोल एंड डिप्लॉय एन इंटरप्राइज सबऑर्डिनेट CA। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि ये एक ही सर्वर रहेगा किसी जो कि सर्टिफिकेट इशू करेगा, और यहाँ पे क्या है, इंटरप्राइज सबऑर्डिनेट मतलब हम एक दूसरे सर्वर को ये काम देंगे कि भाई आप हमारे एंड पे काम करो करके सर्टिफिकेट इशू करने का। तो हम सबऑर्डिनेट उसको बोलते हैं। तो दोनों को देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे इसको एक्सरसाइज वाइज लिया है मैंने। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, डिप्लॉइंग स्टैंड अलोन रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी। द मेन टास्क फॉर दिस एक्सरसाइज इज एज फॉलोज, इंस्टॉल द ADCS सर्वर रोल विथ द CA रोल सर्विस। तो इसको हम इंस्टॉल करेंगे सबसे पहला। इसके लिए मेरे पास यहाँ पे इस वर्चुअल मशीन पे मैंने मतलब इस रिमोट वाली मशीन पे इंस्टॉल है मेरे पास दो सर्वर। ये मेरी एक्टिव डायरेक्टरी है, अगर इसको देखें तो, जिसका नाम मैंने खुद दिखा देता हूँ। तो ये मेरा है डोमेन है, इसका नाम है win1 और मेरा डोमेन का नाम है root.com, ठीक है। तो ये एक्टिव डायरेक्टरी है, और जो दूसरा है ये मेरा सबऑर्डिनेट सर्वर यूज़ करेंगे हम एज अ सेकेंडरी सर्वर है, ये डोमेन से जुड़ा हुआ है, डोमेन में ऐड है। तो इस सर्वर को हम एज अ सबऑर्डिनेट यूज़ करेंगे, ये भी डोमेन में मेरा एडिट सर्वर है, इसका नाम win2 है। तो ये नाम काफ़ी जगह हमको यूज़फुल होगा अभी कॉन्फ़िगर करते टाइम। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हमें को जो करना है वो ये है, अभी यहाँ पे देखेंगे हम, अभी हमको यहाँ पे ये इंस्टॉल करना है। तो पहला टास्क क्या है, इंस्टॉल द एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विस रोल एंड कॉन्फ़िगर इट एज स्टैंड अलोन
रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी। तो ये हमारा मेन काम है। अब इसके अंदर हमको क्या क्या करना है, इसके अंदर हमको इतने सारे काम करने हैं, ठीक है। एक हम ये इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद में दूसरा है उसको स्टैंड अलोन स्पेसिफाई करना है, फिर उसका सर्टिफिकेट दे, इसका सर्टिफिकेट का नाम देना है, इसको अंडर स्कोर में ले लेते हैं, बेटर रहेगा। ऐसे करके उसकी एक प्राइवेट की जनरेट करनी है, फिर उसको ये सेट करना है, तो ये सारी हम वन बाय वन करेंगे। तो उसके लिए मैं अपना एक्टिव डायरेक्टरी पे चला जाता हूँ, जो मेरा ईडी है ये वाला, और इसके सर्वर मैनेजर पे। सर्वर मैनेजर पे सबसे पहला काम है हमको वो सर्टिफिकेट का रोल इंस्टॉल करना। तो ये आ गया, मैं ऐड सर्वर रोल विजार्ड पे, इसी सर्वर पे इंस्टॉल करना है। और ये रहा हमारा एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज। तो मैं इसको चेक मार्क कर दिया और इसके जो फीचर हैं उनको इंस्टॉल कर लिया, नेक्स्ट क्लिक कर लिए, और नेक्स्ट क्लिक करेंगे नेक्स्ट। और यहाँ पे हम इनको भी सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है उनको। नेक्स्ट इसके जो नेक्स्ट पार्ट रहेंगे उसमें काम आएंगे। तो अभी ही मैं इंस्टॉल कर ले रहा हूँ, तो मुझे नेक्स्ट टाइम इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब इंस्टॉल कर दिया मैंने ये सब का सब, क्योंकि जो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इस वीडियो में तो मैं सिर्फ आपको स्टैंड अलोन और सबॉर्डिनेट इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, बताऊंगा, बट नेक्स्ट वीडियो में ये सब काम आएगा हम लोगों को। तो सबको सब मैंने एक बार में ही इंस्टॉल कर दिया, और इंस्टॉल कर देते हैं, शायद इसको रिस्टार्ट करना पड़े, ठीक है। अब हम देखते हैं जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है इधर, और क्या थियोरेटिकल पार्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ इसको भी। दूसरा चीज़ यहाँ पे देखेंगे हम, इतनी ही सेटिंग्स है। तो ये बेसिक सेटिंग किसके लिए रहेगी, हमको स्टैंड अलोन कॉन्फ़िगर करने के लिए, स्टैंड अलोन रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं कि सर्टिफिकेट सर्विस क्या होती है। तो सर्टिफिकेट सर्विस क्या है, अ सर्टिफिकेट सर्विसेज अ सर्विस रनिंग ऑन द विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम रिसीव रिक्वेस्ट फॉर न्यू डिजिटल सर्टिफिकेट ओवर ट्रांसपोर्ट सच एस RPC और HTTP। तो वही है, जब हम अगर कुछ URL एक्सेस करते हैं तो ये सर्टिफिकेट को क्या कहते हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे कि ये HTTPS की बात हो रही है, तो ये भी एक सर्टिफिकेट उन्होंने क्रिएट किया है, तब जाके हम ये URL को एक्सेस कर पा रहे हैं और हमको उसका परमिशन मिल रहा है। इट चेक्स ईच रिक्वेस्ट अगेंस्ट कस्टम और साइट साइट स्पेसिफिक पॉलिसीज। मैंने पहले भी मेरा एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें भी बताया था कि एक्टिव डायरेक्टरी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो वहाँ से भी देख सकते हैं आप डिटेल में। और क्या करती है, देखिए, सेट्स ऑप्शनल प्रॉपर्टीज फॉर सर्टिफिकेट टू बी इशूड एंड इशू द सर्टिफिकेट। द सर्टिफिकेट सर्विस अलाउ एडमिनिस्ट्रेटर टू ऐड एलिमेंट्स टू अ सर्टिफिकेट रिवोकेशन लिस्ट। ये सारी चीज़ें अभी एक एक करके हम इसी सीरीज में देखेंगे। एंड टू पब्लिश साइन सर्टिफिकेट रिवोकेशन लिस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो इसका ये बेसिक काम रहता है, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना और अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट को इशू करना। दूसरा चीज़ क्या है, सर्टिफिकेट सर्विसेज इंक्लूड प्रोग्रामेबल इंटरफेसेस फॉर क्रिएटिंग सपोर्ट फॉर एडिशनल ट्रांसपोर्ट्स पॉलिसी एंड सर्टिफिकेट प्रॉपर्टीज एंड फॉर्मेट्स। तो ये बेसिक काम है, सिर्फ सिक्योरिटी के लिए हम सर्टिफिकेट इशू करते हैं और उनको बनाया जाता है, सिक्योरिटी वैसी लगाई जाती है। दूसरा चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे, हम देख रहे हैं कि एक स्टैंड अलोन हम कॉन्फ़िगर करना जा रहे हैं और एक सबऑर्डिनेट का कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो क्या है, स्टैंड अलोन सर्टिफिकेट अथॉरिटी कैन इशू सर्टिफिकेट्स फॉर पर्पस सच एज डिजिटल सिग्नेचर, सिक्योर ईमेल बाय यूजिंग इतना सारा ये नाम लिखा है, SMIME, जैसे सिक्योर मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन बोलते हैं, एंड ऑथेंटिकेशन टू सिक्योर वेब सर्वर बाई यूजिंग सिक्योर सॉकेट लेयर, जैसे SSL भी बोलते हैं, और ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी TSL भी बोलते हैं जिसे। सिंपल सा एक चीज़ और दिखाऊँ मैं यहाँ पे, तो अगर मेरे पास एक आउटलुक कॉन्फिगर है, तो जब हमने ये आउटलुक कॉन्फिगर किया है तो क्या कहते हैं, ये भी हैंग हो गया।
तो इसमें भी हमने एक जगह सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर कर किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। तो सिक्योरिटी के ऑप्शन रहते हैं, कॉन्फ़िगर नहीं करना नहीं करना ये डिपेंड करता है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है। इसकी प्रॉपर्टी में जा रहा हूँ, मोर सेकंड और एडवांस। ये यहाँ पे हमको ये इनक्रिप्शन के लिए सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप किस तरीके का टाइप यूज़ कर रहे हैं। तो ये सिक्योरिटी के लिए होता है, जैसे मैंने अभी SSL बोला तो SSL ये रहा, TLS बोला तो ये TLS यहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सर्टिफिकेट के थ्रू ही मैनेज कर सकते हैं हम, कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है कि ये तो हुआ हमारा स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। अब एक सबऑर्डिनेट ले रहे हैं हम, अ सबऑर्डिनेट CA इज़ अ CA दैट हैज़ बीन इशूड अ सर्टिफिकेट बाय अनदर सर्टिफिकेट अथॉरिटी। मतलब जो मेरा कोई एक सर्वर है यहाँ पे, अब वो सर्वर है, उसने उसको इशू कर दिया है, दूसरे सर्वर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। टिपिकली अ सबऑर्डिनेट CA विल इशू सर्टिफिकेट फॉर स्पेसिफिक यूजेस सच एज अ सिक्योर ईमेल, वेब बेस्ड ऑथेंटिकेशन और स्मार्ट कार्ड ऑथेंटिकेशन। सबऑर्डिनेट CAs कैन ऑल्सो बी इशू सर्टिफिकेट्स टू अनदर CA दैट आर मोर सबऑर्डिनेट। हम ये सारी चीज़ें एक एक करके देखेंगे, यही मैं इसलिए बोल रहा था कि बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम एक एक करके देखेंगे कैसे कैसे चीज़ें होती है। तो अब हम देखते हैं, शायद ये हमारा इंस्टॉल हो गया इधर पे। यस, सक्सेडेड आ गया है, तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब इसके बाद में क्या करना है, तो ये बेसिक मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि सबऑर्डिनेट CA क्या होता है, स्टैंड अलोन क्या होता है। तो हम हमारे पहले टॉपिक पे जाते हैं अब यहाँ पे। तो हमने क्या किया है, अभी DC1 पे या मेरा जो कि Win1 है वहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर लिया है रोल। और अब हम नेक्स्ट इसमें क्या देखेंगे, स्पेसिफाई सेटअप को अभी हमको स्टैंड अलोन बनाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा हमको, इसको ओपन करेंगे हम सर्टिफिकेट अथॉरिटी को, जो इसका कंसोल है। तो मैं फिर से ये ले लेता हूँ, और मेरा एक्टिव डायरेक्टरी किधर है, टूल्स में जाते हैं हम। अब यहाँ पे देखेंगे हमको सर्टिफिकेट अथॉरिटी आ गया, आ जाना चाहिए। इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे ये यह है हमारा सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, तो हम इसको ओपन करते हैं अब। अभी हमने ये इंस्टॉल कर लिया है। अभी इसमें क्या है, यहाँ पे हमको एक नोटिफिकेशन का हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। हम जो भी कॉन्फ़िगर करते हैं वो हमको यहाँ पे दिखाई देता है। तो अभी क्या है, यहाँ पे आ रहा है कि सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड फॉर एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विस। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे और जो बाकी का क्या कहते हैं पार्ट है वो कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये हमको आया है अभी, एक और विज़ार्ड आ गया है। अब यहाँ पे हमको जो रेस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है वो करना है। तो क्रेडेंशियल्स हम रूट एडमिनिस्ट्रेटर का यही रख रहे हैं, इसको मैंने क्या किया था कुछ नहीं, आप यहाँ देख सकते हैं। ये यहाँ पे ADCS की हमारे पास ये ऑप्शन आ गया है, इसको ही क्लिक करेंगे और रिक्वायर्ड पे आया है, और जाके हम ये नोटिफिकेशन पे चले जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे और ये ऑप्शन आ गया, इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि सेलेक्ट सर्वर, सेलेक्ट रोल सर्विसेज टू कॉन्फ़िगर। तो हम सब की सब ले लेते हैं क्योंकि हमको सब काम काम पढ़ना ही है आगे की वीडियोस में। तो हम बार बार इसको क्या लिखा रहा है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी एंड नेटवर्क कैन नॉट बी इंस्टॉल साइमल्टेनियसली, कंप्लीट योर CA सेटअप। ओके, ये इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो हम उसको छोड़ देते हैं। ओके, ये वाला नहीं आ रहा, दो नहीं आ रहा है, इसको बाद में देखेंगे। तो हम अभी इतना इंस्टॉल कर लेते हैं। अभी देखिए, मैं कह रहा था कि हम यहाँ पे स्टैंड अलोन और दो तरीके का सेटअप देखने जा रहे हैं, एक स्टैंड अलोन और एक इंटरप्राइज। तो वही ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देख सकते हो कि दो ऑप्शन आया है अभी।
ना, एक इंटरप्राइज आ रहा है और एक स्टैंड अलोन आ रहा है। तो अभी हम स्टैंड अलोन कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। तो मैंने स्टैंड अलोन को सेलेक्ट कर लिया है, इसको नेक्स्ट करेंगे। इसको भी मैं बड़ा कर लेता हूँ, मैंने छोटा कर दिया सब, इसको नेक्स्ट कर दिया। इसके बाद में अभी यहाँ पे क्या था इसको भी देखते जाएंगे। अभी स्टैंड अलोन सेलेक्ट कर लिया मैंने। अभी हमको रूट रूट सी है यहाँ पे पूछ रहा है, तो क्या सेलेक्ट करना है, सबऑर्डिनेट और रूट। तो मैं इसको रूट सी ए ले रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में अब यहाँ पे की दिखाने का कॉन्सेप्ट ये है कि मिस्टेक नहीं होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे प्राइवेट की पूछ रहा है, तो क्रिएट अ न्यू की करके आ रहा है। सेटअप अ की, क्रिएट अ न्यू की। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्रिएट अ न्यू की आया, हम इसको नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है नेक्स्ट, यहाँ पे कॉन्फिगर क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी अब हमको क्या देना है, कैरेक्टर देना है इसका कितना लेंथ। तो हम 4096 दे देंगे। क्रिप्टोग्राफी यहाँ पे 4096 है, तो हमने ये ले लिया है। बाकी डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे और इसको नेक्स्ट कर देंगे। तो मैंने वही नेक्स्ट कर दिया है। अब यहाँ पे हमको नाम पूछ रहा है कि आप क्या नाम देना चाहते हैं इसका, कॉमन नेम फॉर दिस सर्टिफिकेट अथॉरिटी। तो मैं एग्जांपल के लिए रूट सी ए लिखा था। हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या ले रहे हैं, कॉमन नेम हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, रूट विन हाइफन हाइफन करके, ये तो आसानी रहेगी हमको और ज़्यादा ही दिक्कत है तो हम इसको बाद में यूज़ भी करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको यही ले लेता हूँ। ये क्या हो गया, तो कुछ नहीं, इसको हम लिख लेते हैं ऐसे करके। यहाँ लिखा क्या आ रहा है, रूट विन बना रहा है, ओके रूट विन वन। और ये हमारा नाम हो गया, हमारा जो सर्टिफिकेट रहेगा उसका। अब वैलिडिटी पीरियड डिफ़ॉल्ट, कॉन्फ़िगरेशन सर्टिफिकेट डेटाबेस डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट दो चीज़। तो हम इसको डिफ़ॉल्ट कर देंगे यहाँ, ये वाला, ये इतने साल के लिए इसकी वैलिडिटी है सर्टिफिकेट अथॉरिटी की। और ये डेटाबेस भी डिफ़ॉल्ट, और नेक्स्ट कर दिया। विंडोज़ इंटीग्रेशन ऑथेंटिकेशन, और हम इसको विंडोज़ इंटीग्रेटेड ऑथेंटिकेशन छोड़ेंगे। और यहाँ पे कुछ नया आ गया है, देखते हैं इसको। स्पेसिफाई अ सर्वर ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट, चूज एन एग्जिस्टिंग SSL और चूज एन असाइनिंग। इसको हम नीचे वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट कर लिया। अब हम इसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे। तो हमने अभी इसको स्टैंड अलोन कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं देखा इसमें, इस सर्वर को। तो हमारा इतना स्टेप पूरा हो गया है यहाँ तक का, इंस्टॉल एंड कहाँ गया ऊपर वाला, ये वाला स्टैंड अलोन। इसके बाद में हम देखेंगे अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डिप्लॉइंग एन एंटरप्राइज सबऑर्डिनेट सीए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट को इंस्टॉल करने जा रहे थे। तो इसमें मेन काम क्या रहेगा, इंस्टॉल एन एंटरप्राइज सबऑर्डिनेट सीए विथ द वेब एनरोलमेंट रोल सर्विस। अब यहाँ पे मैं कह रहा था ना कि हमको ये सब इंस्टॉल करना है, तो ये वेब एनरोलमेंट सर्विस हम देखेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। और दूसरा क्या है देखना है इसमें, इशू एंड इंस्टॉल द सबऑर्डिनेट सर्टिफिकेट। तो ये दो मेन काम रहेंगे इसमें हमारा इस एक्सरसाइज में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखिए, इंस्टॉल एन एंटरप्राइज सबऑर्डिनेट सी ए सर्टिफिकेट अथॉरिटी ऑन विंडोज, आई मीन हमारा जो सर्वर 2 रहेगा उस पर, जो हमारा रहेगा, ठीक है, इस पर इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए भी फिर वही चीज़ें हैं कि सबसे पहले हमको सर्वर मैनेजर में जाकर रोल इंस्टॉल करना है, तो हम वो कर लेते हैं। फिर बाकी की देखिए, यहाँ पे सब सक्सेसफुल सक्सेसफुल आया है, तो इसमें हमने यहाँ तक कर लिया है। डू यू वॉन्ट टू कॉन्फिगर एडिशनल रोल सर्विस, नो, इसको नो कर देंगे और हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये था हमने जो किया है, ये किया सर्वर बिन पे, मेरा एक्टिव डायरेक्टरी बिन पे। अभी कुछ और नोटिफिकेशन आ रहा है यहाँ पे, नहीं, ये हो गया। तो इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। अब हमारे पास है
दूसरा सर्वर SVR Win2 जिसका नाम है, और इधर पे एज अ Win2 दिखेगा। इस पे हम क्या करेंगे, सबऑर्डिनेट को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको सर्वर मैनेजर पे जाके वही काम करना पड़ेगा जो हमने अभी किया था, फर्स्ट एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विस को इंस्टॉल करना है, और यहाँ पे Win2 है मेरा ये वाला, नेक्स्ट, ये रोल इंस्टॉल करेंगे, दूसरा ऐड करेंगे, नेक्स्ट करते हैं, फिर से नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ देखना होगा कि वेब वाला जो आ रहा था वो यहाँ पे तो नहीं है, नहीं यहाँ पे कुछ नहीं है, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। हाँ, यहाँ पे देखने वाली एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब हम इसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे थे, यहाँ बोला है कि हमको इसको वेब एनरोलमेंट के साथ इंस्टॉल करना है रोल सर्विस, तो अभी वो वेब एनरोलमेंट रोल सर्विस का ऑप्शन हमको यहाँ पे आ गया, तो हम सेलेक्ट करेंगे इस वाले पे वेब एनरोलमेंट, इसको भी कर लिया और इसको भी कर लेते हैं हम, ये भी ले लेते हैं, नेक्स्ट कर लिया। ज़रूरत वैसे सबकी पड़ेगी तो एक बार फिर सब सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन रिस्पॉन्डर भी अभी कैसे इसको असाइन करना है ऑटोमेटिक उस वक्त ज़रूरत पड़ेगी, इंस्टॉल कर लिए। इसके बाद में देखते हैं हमको करना क्या है इसमें बेसिकली, इसके इंस्टॉलेशन के बाद में, इसके इंस्टॉलेशन के बाद में हमको क्या करना होगा, हम एक फिर से वही करेंगे कि सर्टिफिकेट अथॉरिटी एंड सर्टिफिकेट में जाके फिर से ये ऑप्शन आएगा हमको, फिर उसको एंटरप्राइज देना है, सबऑर्डिनेट देना है, क्रिएट न्यू की, और यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा, या हम देखते हैं क्या नाम आ रहा है, रिक्वेस्ट ये चेंज हो जाएगा, ये पेरेंट यहाँ पे क्या जाएगा हमारा जो हमने वहाँ पे दिया था Win1, और ये तो अब हम देखेंगे कि ये इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला हो रहा है। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसलिए छोटे छोटे पार्ट में सीखना बेटर है। अभी होगा क्या, हम जो सबऑर्डिनेट हमारा इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें अभी क्या होगा, यहाँ से एक रिक्वेस्ट जाएगी हमारे पास जो हमने Win1 पे इंस्टॉल किया था उसके पास में, कि हमें सर्टिफिकेट आप इशू कीजिए, और हम फिर नेक्स्ट जो भी हमारा रिक्वेस्ट आएगी मैं उसको अपने एंड से फॉरवर्ड करूँगा, तो आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। वही चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कहाँ गया, कहाँ गया, रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम अ पेरेंट CA, लिखने का मतलब यही है इस लाइन का, मतलब कि ये रिक्वेस्ट करेगा और क्या कहते हैं कि हमको असाइन करो करके, तो ये अभी हम मैं दिखाता हूँ, यहीं पे देखते हैं हम कि ये तो एक्टिव डायरेक्टरी है, तो इसकी जो रहेगी हम बात करते हैं, ये एक्टिव सर्टिफिकेट अथॉरिटी में जाते हैं सबसे पहले हम, तो ये हमारी सर्टिफिकेट अथॉरिटी रहेगी यहाँ पे। तो अभी क्या होगा, जब हमारा सबऑर्डिनेट हम इंस्टॉल कर लेंगे उधर पे कॉन्फ़िगर कर लेंगे, तो इसके साथ इस तरीके का कम्युनिकेशन होगा, तो होगा क्या, अभी देखें यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ लिखा होगा, हाँ नेक्स्ट स्लाइड में, इशू एंड इंस्टॉल द सबऑर्डिनेट सर्टिफिकेट, तो क्या होगा, ऑन Win1 हमारा जो पहले वाला है, इशू एंड पेंडिंग सबऑर्डिनेट सर्टिफिकेट बाई इशूइंग सर्टिफिकेट अथॉरिटी कंसोल, तो ये क्या होगा, अभी इस पेंडिंग सबऑर्डिनेट सर्टिफिकेट, मतलब यहाँ पे देखिए इसको हम अगर जो है सर्टिफिकेट अथॉरिटी इसको ओपन करें तो इसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन अभी क्या होगा जब हम ये इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे जो हो गया है, तो जब ये हो गया यहाँ से अभी जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे उसके बाद में एक रिक्वेस्ट आएगी, और वो रिक्वेस्ट इसके अंदर आएगी, तो हम वही देखेंगे अभी। तो ये हो गया, इसके बाद में हम क्या करते हैं, इस स्लाइड को देखते हैं,
हमने ये इंस्टॉल कर लिया है, इतना सबॉर्डिनेट मतलब अभी सिर्फ हमने रोल इंस्टॉल कर लिया है, बाकी का काम देखेंगे। अब हम यहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे, सर्टिफिकेट अथॉरिटी और ये वाले पे, तो मैं जाता हूँ मेरा दूसरे वाले सर्वर पे। हो गया ये कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड का हमको फिर से आ गया है, तो वही लिखा है यहाँ पे, क्या कहते हैं, सर्विसेज एंड डेस्टिनेशन सर्वर। तो या तो हम इसको क्लोज़ कर लेते हैं, यहाँ पे भी हम इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, इस पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए, ये फिर से पूछेगा कि आपका अभी बाकी है करके, तो हम इसको किसी एक को सेलेक्ट कर लेते हैं, ये सेलेक्ट कर लिया मैंने। तो अब हमको यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेटर दे देंगे, रूट, हमारा रूट एडमिनिस्ट्रेटर, इसका पासवर्ड, ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, कहाँ गया हमारा ये ऑप्शन, इसको क्लोज़ करते हैं। मैंने क्लोज़ कर दिया क्या इसको? फिर से हम चले जाएंगे इस ऑप्शन पे, और जो पोस्ट डिप्लॉयमेंट था उसको ले लेंगे, इसको फिर से एक बार सेलेक्ट कर देते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास में, हमको कॉन्फ़िगर क्या करना है, सेम जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा सेलेक्ट करना है। अभी अभी हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना है एंटरप्राइज, एंटरप्राइज क्योंकि हमने स्टैंड अलोन एक दूसरे वाले सर्वर पे ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, तो हम यहाँ पे एंटरप्राइज लेंगे। दूसरा, अब यहाँ पे देखिए क्या लेना है हमको, सबऑर्डिनेट्स ये लेना है, तो हम अब सबऑर्डिनेट्स ये ले लेंगे। रूट हमने पहले ही क्रिएट कर लिया है क्योंकि ये दूसरा सर्वर है। अब यहाँ पे हमको क्या पूछ रहा है, की पूछ रहा है, तो फिर से हम क्या करते हैं, क्रिएट अ न्यू की ले लेंगे। तो क्रिएट अ न्यू की ले लिया, इसको हम डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं, की डिफ़ॉल्ट, ओके डिफ़ॉल्ट छोड़ेंगे। अब यहाँ पे नाम ऐसा कुछ हम ले सकते हैं, की डिफ़ॉल्ट छोड़ दिया। इसका नाम यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, इशूइंग सर्टिफिकेट अथॉरिटी करके लिख लेते हैं, इस तरीके से हमको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। रूट इशूइंग बिंटू, या तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसके आगे सिर्फ ऐड कर लेते हैं थोड़ा इशूइंग करके, स्पेलिंग गड़बड़ तो नहीं हुआ, बहुत गड़बड़ हो जाता है यार कभी कभी, ठीक है। इसको हम हमारे आइडेंटिफिकेशन के लिए ऐसे नाम रख लिया, इसको नेक्स्ट कर लेंगे। और क्या आ गया है, एरर आया है कि कुछ कुछ एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड करके, तो भैया अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो हम इसको हटा देते हैं, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एरर नहीं होना। इसको रूट को मैं हटा देता हूँ सबसे बेहतर, इसको हटा दिए और इसमें हाइफन लगा दिए, तो बिन टू इशूइंग सीए हो गया वो, इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंड अ सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट टू पेरेंट, यहाँ पे देखिए इस पीपीटी में मैंने लिया है कि कहाँ गया, रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम अ पेरेंट सीए, तो यहाँ पे हमको वही ऑप्शन आया है, यहाँ पे सेव हो जाएगा, तो हमको यहाँ पे उसका नाम देना पड़ेगा अभी।
रिक्वेस्ट करने के लिए, और हम यहाँ पे लिखेंगे सर्टिफिकेट का नाम या तो कंप्यूटर का नाम, कंप्यूटर का नाम लिख देते हैं विन, कहाँ गया ये, तो इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करेंगे, एडवांस में जाएंगे, यहाँ ढूंढेंगे, तो भी बात वही आएगी, विन वन पे चले जाते हैं जो हमारा पहला वाला कंप्यूटर है या एक्टिव डायरेक्टरी है, उसको ओके कर लिया, ओके कर लिया, ये आ गया। या तो हम यहाँ पे अपना नाम भी दे सकते हैं जो हमने यहाँ पे दिया था, हमारे पास चॉइस है, ठीक है, ये नाम भी देंगे तो यही आ जाएगा। हम इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट होगा नहीं शायद, अगर मैं पेस्ट करने की कोशिश करूँ तो नहीं हुआ, और लिखना चाहूँ तो भी नहीं हो रहा, तो ठीक है हम कंप्यूटर नेम ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको नेक्स्ट करेंगे, ये आ गया। सब डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट इंटीग्रेशन इसको भी, और यहाँ पे भी हम चूज़ एन एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट फॉर, ये सभी नहीं है, हमको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, इस सर्वर पे सबऑर्डिनेट सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्रिएट कर दिया है, और पहले वाले सर्वर पे क्या किया था, स्टैंड अलोन रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी कॉन्फ़िगर किया था। तो इसको इंस्टॉल होने के बाद अब हमारे पास क्या रह जाएगा, अब सिर्फ हम वेरीफाई करेंगे। अब इसमें जो नेक्स्ट टास्क है वो है ये, इशू एंड इंस्टॉल द सबऑर्डिनेट सर्टिफिकेट, तो हम एक बार इशू करेंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये हो गया, इसमें भी पूरा सक्सीड आया। अब हम इसको क्लोज करते हैं और नो जाएंगे, अब हमारा सर्टिफिकेट अथॉरिटी पे जाएंगे, तो एक बार हम पीपीटी में देख लें करना क्या है, ऑन द विन वन मतलब हमारा फर्स्ट वन पे चेक करेंगे कि कोई रिक्वेस्ट आई है कि नहीं आई है, ठीक है, पहले वाले सर्वर पे एक्टिव डायरेक्टरी पे, ये वाले पे, तो इसको ही रिफ्रेश करते हैं हम, तो देखिए यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आ गई है, अभी कुछ नहीं था, सिर्फ मैंने इसको रिफ्रेश किया है, इसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे, देख सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी को रिफ्रेश किया मैंने, खैर इसमें प्रॉपर्टी अभी नहीं आ रही, तो अभी क्या कर सकते हैं हम, इसको और एक्सपेंड करता हूँ मैं, तो देखिए इधर कुछ देखें, कुछ डिटेल मिलेगा क्या, हाँ इशूइंग अथॉरिटी का नाम आ रहा है बिन टू इशूइंग, जो हमने वहाँ पे क्रिएट किया था, तो ये वही रिक्वेस्ट आई है यहाँ पे, और ये सबऑर्डिनेट सर्टिफिकेट अथॉरिटी है। तो अब हमको करना क्या है, देखिए इस पीपीटी को फॉलो करते जाइएगा, अगर आप ऐसे ही एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के, ऑन द विन टू इंस्टॉल द सबऑर्डिनेट सर्टिफिकेट बाय यूजिंग द सर्टिफिकेट अथॉरिटी कंसोल, तो अभी क्या करना है हमको, इसको इशू करना है, तो इशू कैसे करेंगे, इस एक्टिव डायरेक्टरी पे जाएंगे और किधर गया किधर गया किधर गया, ये डेस्कटॉप नहीं चाहिए, ये चाहिए, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, तो ये जो हमारी सर्टिफिकेट अथॉरिटी है इस पे क्या करना है, अब हमको इसको इशू करना है, तो ऑल टास्क पे क्लिक करके हम जाएंगे और इसको इशू कर देंगे, तो अभी ये इशू हो गया है। अब हम देखेंगे यहाँ पे इशूड सर्टिफिकेट, तो इशूड सर्टिफिकेट में आ गया है, अब हमको वेरीफाई करना है कि ये सर्टिफिकेट उधर गया है कि नहीं गया है, अभी देखिए इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो गई है, ठीक है, और सर्टिफिकेट एक्सपायरी डेट आ गया इसका 2018 का एक्सपायर हो गया, इफेक्टिव डेट अभी का डेट दिखा रहा है अभी का, इसका ये सीरियल नंबर आया है, और अभी देखिए अभी ये सर्टिफिकेट आ गया हमारे सिस्टम में, भी चेक करते हैं तो ऐसे सर्टिफिकेट हमको नज़र आते हैं कभी कभी, तो ये सर्टिफिकेट ओके है। इसके बाद में अब हम वेरीफाई करेंगे कि ये इस सिस्टम पे आया कि नहीं आया, इस सर्वर पे, तो इसके लिए क्या करना है, देखिए इधर पीपीटी में भी मैंने बहुत क्लियरली ले रखा है, आई होप इंटेंशन ये है पीपीटी बनाने का कि मिस्टेक ना हो और क्लैरिटी रहे जो भी हम काम कर रहे हैं। अब क्या है, बिन टू पे जाना है एंड इंस्टॉल द सर्टिफिकेट बाय यूजिंग द सर्टिफिकेट अथॉरिटी, तो इसके लिए हम बिन टू पे जाएंगे, देखते हैं कैसे करना है इसको, तो ये सर्वर टू जो कि मेरा बिन टू है, अब इसमें हम सर्टिफिकेट अथॉरिटी ढूंढेंगे ढूंढेंगे, ये रही सर्टिफिकेट अथॉरिटी, ठीक है, अब देखिए ये भी इसका नाम आ गया है, और यहाँ देखेंगे कि इधर क्या आया है, तो अभी हम देखेंगे इसके ऊपर एक साइन आया है,
स्टार्ट सर्विस कर लेते हैं। अभी ये बंद है, या इसको हम क्या कहते हैं, देखिए ये ऑप्शन है हमारे पास, हमको यहाँ इंस्टॉल ही करना है। जैसे कि यहाँ पे इस पीपीटी में भी मैंने लिया है कि हमको करना क्या है। नेक्स्ट, इंस्टॉल द सबऑर्डिनेट सर्टिफिकेट बाई यूजिंग द सर्टिफिकेट अथॉरिटी। तो हम इसके अंदर आ गए हैं और अभी हमको ये ऑप्शन भी आ गया है इसके अंदर। अगर हम देखें तो कहाँ गया, इंस्टॉल सी ए सर्टिफिकेट। तो हम इसको क्लिक करते हैं और मैंने क्लिक कर दिया है। तो इसके बाद में हमको ये ऑप्शन आया, ये ऑप्शन ऐसे क्यों आया है, एक मिनट। ओके, इसको रिफ्रेश नहीं किया शायद मैंने, हम एक मिनट देखते हैं, इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है। पहला तो ये काफ़ी धीरे चलने लग गया। हाँ, अभी ये जाके हमारा ग्रीन हुआ, स्टार्ट हुआ ये। अब इसके अंदर देखेंगे हम ऑल टास्क। अभी हमने ये मेरे क्या कहते हैं स्टॉप था ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी, उसको स्टार्ट किया है सर्विस को। और अब हम देखते हैं हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। रिफ्रेश किया एक बार फिर से, रिवोक सर्टिफिकेट में कुछ नहीं है, इशूड सर्टिफिकेट में कुछ नहीं है, पेंडिंग सर्टिफिकेट में कुछ नहीं है, फेल्ड में कुछ नहीं है, और टेम्पलेट सर्टिफिकेट पे कुछ नहीं है। तो इसको देखेंगे हम एक बार, रिफ्रेश करते हैं। और एक्टिव डायरेक्टरी किधर गया हमारा मेन, शायद इसके पास एक और रिक्वेस्ट तो नहीं आ गई। तो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया हमारा ये, इसमें हम देखते हैं कि एक और रिक्वेस्ट तो नहीं आ गई वहाँ से, क्योंकि मैंने पेंडिंग नहीं, कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है। तो हमारा जो था क्या कहते हैं जो सर्टिफिकेट हमने यहाँ से इशू किया था वो इंस्टॉल हो गया है, क्योंकि मैंने इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया था। अगर आपको एक बार और वेरीफाई करना है तो आप फिर से क्या कर सकते हैं, फिर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे जाके ऑल टास्क और सबमिट न्यू रिक्वेस्ट करके। तो हमने एक और रिक्वेस्ट कर दी है यहाँ पे, और ये ऐसे नहीं जाना चाहिए, इसको इसको कैंसिल करते हैं। हम इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पे, न्यू सर्टिफिकेट टेम्पलेट टू इशू, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे, इसमें कैसे यूज़ कर इशू करते हैं एंड ऑल, ये सब स्मार्ट कार्ड का बनाएंगे देखेंगे। अभी हम इस पे क्या करते हैं, व्यू ऐड एंड रिमूव, इसमें कुछ नहीं कर सकते। मैनेज पे क्या ऑप्शन आएगा देखते हैं। इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं इसमें, ये 2016 है एज़ कम्पेयर टू 12 और 8। तो अच्छा है, ये सारी चीज़ें सीखेंगे एक एक करके, इंटरेस्टिंग रहेगा ये। अभी हम इसको क्लोज करते हैं और इस पे जाके एक बार फिर से रीटारगेट सर्टिफिकेट अथॉरिटी देखते हैं, इससे क्या ऑप्शन है। कुछ नहीं करना है हमको यहाँ पे। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, हम कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बार कुछ MMC रन करता हूँ, क्या आ रहा देखते हैं। MMC मैनेजमेंट कंसोल जिसको बोलते हैं, यहाँ पे हम फाइल में जाते हैं, ऐड ये करेंगे सर्टिफिकेट्स सर्टिफिकेट अथॉरिटी और फिनिश। ओके,
ये वही चीज़ है, सर्टिफिकेट, टैम्पलेट, ये सारे कैसे यूज़ करते हैं, एक एक करके देखेंगे हम, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये कंप्यूटर यूज़र इशूड सर्टिफिकेट, पेंडिंग सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट। और अगर हम यहाँ पे देखें इशूड, यहाँ पे फिर से हम ऑल टास्क में जाके एक रिन्यू पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा, कैन नॉट बी रनिंग ड्यूरिंग स्टॉप सर्विसेज, तो इसको स्टॉप करना पड़ेगा अगर हमको क्या कहते हैं एक और नई रिक्वेस्ट करनी है। तो देखते हैं, इसको मैंने स्टॉप कर दिया है और यहाँ पे जाके ऑल टास्क एक नई रिक्वेस्ट, तो ये इस पे क्यों जा रहा है, ओके इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था कि हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और हमारे स्टैंड अलोन और क्या कहते हैं सबऑर्डिनेट सर्टिफिकेट अथॉरिटी इन सर्वर 2016। और आई होप कि जैसा मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, आप लोगों को बहुत ही क्लियर तरीके से पता चलेगा। और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, इसमें बहुत सारा है। और आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। और अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप इस वीडियो के में कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल का नाम है जैसे कि इस पीपीटी में यहाँ पे लिया है मैंने, मेरे चैनल का नाम CCNAN MCITP। और अगर ये URL अगर डालते हैं आप तो उससे क्या होगा, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, वहाँ से CCNA के भी वीडियो और MCITP के भी वीडियो मिल जाएंगे। तो हमने जो एक्टिविटी करी है उस एक्टिविटी में किया गया है हमने, आफ्टर दिस एक्सरसाइज यू हैव इंस्टॉल्ड द एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्वर रोल, डिप्लॉयड द इंटरप्राइज सबऑर्डिनेट सीए, कॉन्फिगर्ड द रूट सीए टू इशू सबऑर्डिनेट सर्टिफिकेट एंड इंस्टॉल्ड द सबऑर्डिनेट सर्टिफिकेट ऑन द सबऑर्डिनेट सीए। तो ये हमारा आज का काम था इस वीडियो में। ज़्यादा वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।